भाई आज की वीडियो में ना हम ये जानने वाले हैं कि आप एक बुरी लड़की को कैसे पहचान सकते हो। अब यहाँ पे बुरी लड़की से मेरा मतलब ये है कि जिस लड़की का कैरेक्टर खराब हो, जिस लड़की का चरित्र खराब हो। यार जैसे कि पता आपको भी है कि ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में किसी को भी पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। भाई आज की दुनिया में ना जाने कितनी परियां आपके आसपास घूमती है, ना जाने कितनी लड़कियां आपके आसपास घूमती है, लेकिन उनमें से एक अच्छी लड़की को पहचानना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप एक बार ये जान लेते हो कि एक कैरेक्टर लेस लड़की को कैसे पहचानते हैं, तो यार इससे ना आपको बहुत सारे फायदे होंगे। पहला फायदा जो होगा वो ये होगा कि जब कभी भी आप रिलेशनशिप में आने की सोचोगे ना, जब कभी आपको किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आने की जरूरत होगी, तो वहाँ पे आप इजीली पता लगा पाओगे कि सामने वाली लड़की कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। भाई ये सब ना आप बहुत अच्छे से पता लगा पाओगे। और यार दूसरा फायदा जो होगा ना वो ये होगा कि आप फिर किसी को भी अपना सजेशन दे सकते हो। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड अगर किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है ना, या फिर वो पहले से ही किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, तो आप यहाँ पे उसको सजेशन दे सकते हो, आप यहाँ पे उसको सलाह दे सकते हो। जैसे कि सामने वाली लड़की कैसी है, उसको रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं, ऐसे ही भाई आप ना फिर किसी को भी सजेशन दे सकते हो। तो चलो यार जल्दी से जान लेते हैं उन्हीं टेक्निक्स को जिनकी मदद से आप किसी भी लड़की का कैरेक्टर पता कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई पहला जो साइन है ना जिससे कि आप किसी भी लड़की का कैरेक्टर पता कर सकते हो, वो है इप्सी सोज हर बॉडी पार्ट्स। मतलब अगर लड़की अपने बॉडी पार्ट्स को कुछ ज्यादा ही दिखाती है ना, अगर जानबूझकर लड़की अपने पार्ट्स को दिखाती रहती है, या फिर अगर हम प्योर हिंदी में इसको बोले ना, वो ये होगा कि अगर लड़की अपने अंगों का प्रदर्शन कुछ ज्यादा ही करती है। तो यार पहला साइन जो है ना वो यही है कि अगर कोई लड़की अपने बॉडी पार्ट्स को कुछ ज्यादा ही शो करती है ना, तो वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि उसका कैरेक्टर थोड़ा सा खराब है। हाँ यार मैं मानता हूँ कि आज के जमाने में फैशन भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, लेकिन यार फैशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को ही दिखाने लग जाओ। तो यार अगर लड़कियाँ ये चीजें कुछ ज्यादा ही शो करती है ना, अगर लड़की अपने अंग का प्रदर्शन कुछ ज्यादा ही करती है, तो वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि लड़की का कैरेक्टर कहीं ना कहीं खराब है। क्योंकि भाई जो सही लड़कियाँ होती है ना जिनका कैरेक्टर खराब नहीं होता, तो वो कभी भी अपने बॉडी पार्ट्स को शो नहीं करती है। क्योंकि यार सही लड़कियाँ जो होती है ना उनके अंदर शर्म होती है और उनको ये अच्छे से पता होता है कि ये चीजें करना ठीक नहीं होता, क्योंकि इससे उनकी इज्जत पे बात आ सकती है। तो यार जिन लड़कियों का कैरेक्टर सही होता है ना, वो कभी भी ये चीजें करना पसंद नहीं करती। अब यार बात करते हैं हमारे अगले साइन की जिससे कि आप किसी भी लड़की का कैरेक्टर पता कर सकते हो, वो है इप्सी आस्क फॉर फिजिकल रिलेशनशिप। मतलब भाई अगर लड़की आपको खुद ही फिजिकल होने के लिए बोलती है ना, अगर लड़की आपके साथ खुद ही फिजिकल होना चाहती है, तो यार वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि लड़की का कैरेक्टर कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। क्योंकि यार नॉर्मली क्या होता है ना कि लड़कियाँ कभी भी ना खुद ही फिजिकल होने के लिए नहीं बोलती, क्योंकि यार जनरली ना लड़के ही लड़कियों को ये सब करने के लिए पूछते हैं। लेकिन अगर लड़की खुद ही फिजिकल होने के लिए बोल रही है ना भाई, तो यहाँ पे आपको ये कंफर्म कर देना चाहिए कि लड़की का कैरेक्टर कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और आपको उससे बच के रहना चाहिए। अब यार थर्ड जो साइन होता है ना जिससे कि आप किसी भी लड़की का कैरेक्टर पता कर सकते हो, वो होता है एक्सपीरियंस ऑफ गर्ल। अब भाई देखो आप रिलेशनशिप में हो, सही बात है, आपने बंदी सेट करी है, बहुत ही सही बात है। लेकिन अगर आपको ये लगता है ना कि लड़की के पास एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा ही है, लड़की हर काम में एक्सपर्ट है, जैसे कि वो खुद ही आपका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकती है, कभी खुद ही आपको किसके लिए अप्रोच कर सकती है, कभी खुद ही आपको फिजिकल होने के लिए कहती है, और रिलेशनशिप से रिलेटेड जितनी बातें आपको पता है ना उससे कहीं गुना ज्यादा लड़की को पता है, और वो हर चीज में आपको गाइड करती रहती है, वो हर चीज आपको बताती रहती है कि ये ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो यार यहाँ पे ना आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि लड़की का कैरेक्टर कहीं ना कहीं खराब है, क्योंकि अगर लड़की को इतना एक्सपीरियंस है तो आखिर कैसे है। लड़की को एक्सपीरियंस होने का मतलब तो यही है ना कि वो पहले कभी किसी और के साथ रिलेशनशिप में आई है, क्योंकि यार लड़की को ना रिलेशनशिप के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है जिसका कि आपको आधा भी पता नहीं है। तो यार अगर लड़की को इन सब चीजों में कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस है ना, तो आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि लड़की का कैरेक्टर कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो यार आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो ना तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।